राजनीतिक उठापटक को दिखाती इमरजेंसी लेकर आई कंगना रनावत। कहा, अब तीनों खान पर बनाना चाहती हूँ फिल्म। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल ग्लॉसी बॉलीवुड में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाए, ऐसी मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल ग्लॉसी बॉलीवुड पे बने रहे। तो चलेगा वीडियो शुरू करते हैं। इमरजेंसी फिल्म 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा घोषित किए गए आपातकाल पर आधारित मूवी है। इस फिल्म को बनाने में कंगना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अगर ट्रेलर में उनके मेकअप को देखा जाए तो कंगना उसमें पूरी तरह से फिट नजर आई है। इंदिरा गांधी की ही तरह बाल, उनकी तरह गर्दन हिलाकर बात करने का तरीका, उनके जैसी चाल वगैरह सब कुछ कंगना ने हूबहू करने का प्रयास किया है। इमरजेंसी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान कंगना ने इस मूवी से जुड़ी कुछ बातें बताई। इसी के साथ उन्होंने इंडस्ट्री के तीन बड़े खान शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के बारे में कुछ ऐसा कहा कि वहां मौजूद लोग तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। कंगना ने तीनों के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की। कंगना से पूछा गया कि वह कभी सलमान, शाहरुख और आमिर के लिए भी फिल्म बनाना चाहेंगी। इस पर एक्ट्रेस ने कहा कि वह तीनों के लिए फिल्म डायरेक्ट और प्रोड्यूस करना चाहेंगी। वह उनके लिए एक ऐसी फिल्म बनाना चाहेंगी जिसमें तीनों की आर्टिस्टिक साइड और क्रिएटिव टैलेंट दिखे। इमरजेंसी फिल्म के स्टार कास्ट में मिलिंद सोनम, फील्ड मार्शल सैम बहादुर के किरदार में होंगी। वहीं संजय गांधी का रोल विशाख नायर करेंगे। अनुपम खेर, जयप्रकाश नारायण के रोल में होंगे, जो इंदिरा गांधी की आपातकाल का विरोध करते देखे जाएंगे। इसके अलावा श्रेयस तलपड़े अटल बिहारी वाजपेयी के रोल में और महिमा चौधरी लेखिका पुपुल जयक के रोल में होंगी। वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल ग्लॉसी बॉलीवुड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।